बैक बेंचर्स भाई, ये लोग क्लासरूम की जान होती है जान। दुनिया इधर से उधर पलट जाए लेकिन इनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको बस खुद मजा लेने का और दूसरे को मजा देने का है, और इसी मजा लेने देने के चक्कर में लोग जबरदस्त कांड कर देते। तो दोस्तों आज हम देखने वाले बैक बेंचरों के कुछ जबरदस्त कांड, तो फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते। लेकिन उसके पहले जल्दी से उस लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो और उस घंटी को भी बजा देना। भाई ऑनलाइन क्लास बैक बेंचरों के लिए एकदम जन्नत की तरह होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में वो कोई भी कांड कर ले, टीचर उनका एक भी बाल बांका नहीं कर सकती। इसी का पूरा फायदा उठाया इस बच्चे ने, जिसने क्लास के पहले लेक्चर में पलंग तोड़ डांस करना शुरू कर दिया। मिलो इस इंटेलिजेंट बैक बेंचर से, जिससे जब ये सवाल पूछा गया कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भाई ने कुछ ऐसा आंसर दिया जिसे देख के मोदी जी भी ये कहने पर मजबूर हो गए। देश बदल रहा है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? MS मोदी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब मिलो इस 24 कैरेट प्योर बैक बेंचर से, जिसका नॉलेज देख के आपका नॉलेज आपको छोड़ के चला जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, संडे। अगर आपको भी लगता है कि बैक बेंचर सिर्फ लड़के होते, तो जरा इन बैक बेंचर परियों से भी मिल लो, जो कि क्लासरूम में अपने रील्स का धंधा शुरू करके रखी है। तेनु मैं लव करदा, बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए बसा च रा। खत्म। भाई ये बुक में जितने भी अंग्रेजी लोग होते हैं ना, वो बैक बेंचर लोगों से बहुत डरते, क्योंकि ये बैक बेंचर लोग उनका जेंडर कब बदलते उनको भी मालूम नहीं होता। भाई पूरी दुनिया वालों के लिए टॉयलेट सिर्फ टॉयलेट होगा, लेकिन भाई बैक बेंचरों के लिए टॉयलेट का मतलब सिर्फ टॉयलेट नहीं होता, बल्कि ये होता है। टॉयलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? क्लास। टॉयलेट का मतलब क्लास होता है? स्कूल। स्कूल होता है? शाबाश। चलो इस भाई के लिए स्कूल का मतलब टॉयलेट होता है, लेकिन जब इस बच्चे से एग्जाम में पूछा गया कि स्कूल को एक शब्द में बताओ, तो भाई ने पता नहीं क्या सोच के नर्क लिख दिया। वैसे तो एग्जाम का आखिरी पेपर बैक बेंचरों के लिए एक वरदान के जैसा होता है, लेकिन ये बैक बेंचर लोग एग्जाम के पहले पेपर में भी कांड करेंगे और लास्ट वाले में भी कांड करेंगे। इस भाई को रूट वाला क्वेश्चन आया, जो उसे आता तो खाक नहीं था, तो भाई ने आग बंद करके क्वेश्चन को ही फांसी लगा दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब आप बताना कि इस बच्चे ने जो आंसर दिया वो सही है कि नहीं। सवाल आया कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम बताओ, तो बच्चे ने जवाब में लव लिख दिया। एलविश यादव बढ़िया है या सलमान खान? सलमान यादव। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मिलो इस रोमांटिक बच्चे से, जिससे जब ये एग्जाम में सवाल आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो भाई बच्चे ने बड़े मासूमियत से अपना कुछ और ही एक्स समझ कर लिख दिया, जान थी वो मेरी। ओ माय गॉड टुरुला। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। भाई बच्चों को जितना दिक्कत मैथ से नहीं होता, उससे ज्यादा तो मैथ पढ़ाने वाले टीचर से दिक्कत होता है। तभी तो इस बच्चे ने जंगली जानवरों की लिस्ट में मैथ टीचर को भी लेकर आ गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। चुप कर बे कुत्ते। हिंदी के पेपर में जब कोई फनी आंसर लिख दे तो उसे देख के तो मजा ही आ जाता है। जैसे कि इस बच्चे को सवाल आया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे को उदाहरण देख के समझाइए, तो भाई बच्चे ने सबसे पहले एक कोतवाल को ड्रॉ किया और एक उल्टा चोर को ड्रॉ किया, जो कि कोतवाल को डांट रहा है। अबे ओए कोतवाल, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब भाई मिलो इस सच्चे आशिक से, जिसकी प्रेमिका एग्जाम में फेल किया हो गई, तो भाई ने स्कूल को ही फूंक डाला। वाओ, वेरी डेंजरस।
स्कूल में सिर्फ बच्चों की इंग्लिश खराब नहीं होती बल्कि टीचर्स लोगों की भी होती, जिनकी इंग्लिश देख आदमी हंसते हंसते इंग्लिश सीख लेता है। कुछ भी सियात चढ़ा, समझाओ इसे। डियोगी स्नाइल चुप हो जा सातवीं फेल। तरह तो इसे कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ऑनलाइन क्लास में जब सोशल स्टडी की मैडम मेकअप करके पढ़ाने को आ गई तो भाई बच्चे लोगों ने टीचर को जबरदस्त रोस्ट कर डाला। ये कम सोशल स्टडी के नाम कितना सज दस क्या है? लिपस्टिक लगाई, कान का लगाई, हाइलाइटर लगाई, काजलों तक लगाई है। गजब बेइज्जती है, बोरी दिख रही है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं क्यों हिला डाला ना। ये इंग्लिश ग्रामर वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक एग्जाम में बिना भूले वर्ड्स का अपोजिट लिखो ये वाला क्वेश्चन पूछते, जैसे कि इस बच्चे से भी पूछा जिसने शुरू के दो सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया, पर जब ओरिजिनल का अपोजिट लिखने की बारी आई तो भाई ने चाइना लिख दिया। बात तो सही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो हमें कमेंट में सेकेंड पार्ट करके जरूर कमेंट करें।